नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां तहसील गोरमी के गरीब परिवारों में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य संबंधित उचित सलाह एवं उपचार पाने के लिए गरीब परिवारों के लोगों का उपचार परीक्षण किया गया। यहां स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क आरुषि क्लिनिक के द्वारा लगाया गया। इस शिविर में डायबिटीज, बीपी, थायरॉयड, श्वास रोग, अस्थमा, टीबी रोग, पेट रोग, पीलिया, खून की कमी, चक्कर आना, मिर्गी, सिर दर्द आदि की जांच की गई। शिविर को सुबह 10 बजे से प्रारंभ किया गया। दोपहर 3 बजे तक शिविर में मरीजों को देखा गया। यह स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान, MBBS, MD, मेडिटेशन, CCEB, DM, डायबिटीज विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर रहे। वहीं स्वास्थ्य शिविर में करीब 2 सैकड़ा से अधिक मरीजों का निःशुल्क परीक्षण कर दवा वितरित की गई। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आरुषि क्लिनिक संस्थापक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौर के द्वारा किया गया। इस पहल से गोरमी के गरीब परिवार के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लौट आई। कार्यक्रम में सहयोग की इन सभी की रही सराहनीय भूमिका। महताब सिंह विकास थापक, अनिल यादव टिंकू, नरवरिया राहुल खान, आमिर खान आदि। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जो कैंप का आयोजन आपने गोरमी में किया है, क्या उद्देश्य है इसका? जी, मैं सबसे पहले अपना थोड़ा शॉर्ट में परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान है एंड मैं बिरला अस्पताल ग्वालियर में PMI हॉस्पिटल में मैं जनरल फिजिशियन हूँ, MBBS, MD मेडिसिन। तो यहाँ पर कैंप का मेन उद्देश्य है, यहाँ का मरीज को काफ़ी परेशानी होती है बिकॉज गोरमी में कोई अच्छी उनको परामर्श के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो सबसे मुख्य उद्देश्य जो कि इस कैंप का है, मरीजों को मुफ्त एक सुविधा का एक इलाज, उनकी डायग्नोसिस बने और उनको कुछ मुफ्त दवाइयां भी हम यहां पर उनका दवाइयों का भी वितरण करेंगे। तो दवाइयों के आप पैसे नहीं लेंगे? बिल्कुल फीस नहीं, निःशुल्क फीस भी नहीं और दवाइयों के लिए वो भी नहीं, पर्सन मुफ्त। जैसे किस मरीज का इलाज करेंगे आप? मेडिसिन के अंदर जो भी सारी बीमारियां आती है, यानी कि आपका बुखार में डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, इसके अलावा BP, डायबिटीज, शुगर यानी कि थायराइड और पेट रोग जो भी हो गए, अपने लिवर सिरोसिस के मरीज होते हैं, श्वास रोग, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस और भी अपनी बहुत सारी बीमारियां हैं, मिर्गी के जो मरीज जैसे दिमाग के लकवा, सारी मरीज मेडिसिन के अंदर आते हैं तो हम सारे मरीज देख सकते हैं। तो क्या आगे के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे भी आगे आप के लिए अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है कैंप को, अगर मरीज अच्छा आता है तो मैंने ये सोचा है कि हम महीने में एक बार इधर कैंप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।